नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर सीरीज में। और इस एफटीआर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास का भाग 8। भाग 8 में हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक्स होंगे दिल्ली सल्तनत, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तराइन की तीसरी लड़ाई जो है वह किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। तराइन की तीसरी लड़ाई की बात हो रही है, इसका मतलब साफ है कि तराइन की तीन लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी। तो ये भी बात कर लेते हैं, 1191 में पहली हुई थी, 1192 में दूसरी हुई थी और 1215-16 के आसपास जो है वह तीसरी लड़ाई हमको देखने को मिलती है। तराइन की जो पहली लड़ाई है वह हुई थी चौहान वर्सेस गौरी, दूसरी भी लड़ाई जो हुई थी चौहान वर्सेस गौरी हुई थी, लेकिन जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह हुई थी इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो है चौहान की जीत हुई थी जबकि यहाँ पर मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, और जब इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज हुआ था तब जो जीत हुई थी वह इल्तुतमिश की हुई थी। चलिए, ये तो हमने रिकॉल कर दिया तराइन के तीनों युद्धों को, हो सकता है तीसरा ही नहीं पहला और दूसरा भी पूछ सकता है, इसलिए हमने रिकॉल कर दिया। तो यहाँ पर जो उत्तर सही आता है वह आता है इल्तुतमिश और यल्दौज। तो थोड़ी सी बात इल्तुतमिश के बारे में कर देते हैं। देखिए, इल्तुतमिश का मतलब होता है गुलाम वंश, इल्तुतमिश का मतलब होता है गुलाम वंश। ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में था और गुलाम वंश का मतलब होता है 1206 से 1290 में गुलाम वंश होता है। जबकि याद रखिए, अगर आप इल्तुतमिश की बात करते हो तो इल्तुतमिश जो है वह उसका जो पीरियड है 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश होता है। गुलामों का गुलाम था, इलबरी तुर्क था, एक्चुअल में गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और उसके बाद ऐबक का भी गुलाम कौन हुआ, तो वो हुआ आपका इल्तुतमिश, इसीलिए गुलामों का गुलाम बोलेगा तो इल्तुतमिश। इसे याद रखना, यह एक इलबरी तुर्क था, सारे के सारे गुलाम वंश के तो इलबरी तुर्क थे, ऐबक को अगर छोड़ दें कि बाकी सब के सब जो है वह इलबरी तुर्क थे। फिर यहां से और याद रखना, इसे ही इक्तादारी प्रथा की भी शुरुआत कौन करेगा, तो वह भी इल्तुतमिश ही करने वाला। फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ हम यल्दौज के बारे में। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे शत्रु थे, किसके बहुत सारे शत्रु थे, तो इल्तुतमिश के, लेकिन उनमें से एक गजनी का सूबेदार जो है वह शत्रु था जिसका नाम था यल्दौज। यल्दौज कौन था, तो यह गजनी का सूबेदार था, चाहता था कि किसी तरीके से मुझे दिल्ली का सिंहासन मिल जाए, इसका एक सपना था दिल्ली के सिंहासन को जीतना, इसीलिए इल्तुतमिश के साथ इसकी लड़ाई चल रही थी। लेकिन ख्वारिज्म खां के सहयोग से उसने यल्दौज को पराजित किया और इल्तुतमिश की विजय हुई। कौन से युद्ध में, तो तराइन के तीसरे युद्ध में इसकी विजय हुई थी। तो इस तरीके से तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन जो है वह गलत है, सही नहीं पहचानना है आपको, गलत कथन को पहचानना है। क्या बोल रहा है, तुर्कान ए चहलगामी 40 रईसों का समूह था। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि यह बलबन द्वारा स्थापित था और अंत में इसे सिकंदर लोदी ने खत्म किया था। मतलब तीनों स्टेटमेंट जो है वो तुर्कान ए चहलगामी से संबंधित है। तुर्कान ए चहलगामी, इसको आप चालीसा दल के भी नाम से जानते हो। एक्चुअल में यह इल्तुतमिश के कुछ गुलाम सरदारों का एक समूह था जो प्रशासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि 40 अमीरों का समूह था, इसीलिए इसको चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगामी भी कहा गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि 40 रईसों का यह एक समूह था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था, इल्तुतमिश के ही कुछ गुलाम सरदारों का यह एक समूह था। उसके बाद अगर कह रहा है कि यह बलबन के द्वारा स्थापित था, तो यह सेंटेंस तो गलत हो जाता है। अरे, बलबन तो खुद एक मेंबर था तुर्कान ए चहलगामी का, बलबन जो है वो तुर्कान ए चहलगामी का खुद में एक सदस्य था, तो वह उसकी स्थापना कैसे कर सकता है, जबकि इसकी स्थापना तो इल्तुतमिश ने की थी। उसके बाद कहता है कि अंत में इसे सिकंदर लोदी ने खत्म किया था, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको खत्म करने वाला और कोई नहीं, बलबन ने इसकी समाप्ति की थी, क्योंकि वह तो कहता था कि मैं ईरान के सबसे अमीर वंश का जनक हूं और इसीलिए खुद को नियाबत एक खुदाई की उपाधि देता था। याद रखना, नियाबत एक खुदाई जो है वह बलबन से संबंधित है। कहता था कि देवता के प्रतिनिधि होते हैं सुल्तान और मैं देवता का एक प्रतिनिधि हूं, मैं खून से ही सुल्तान हूं, इस तरह की बातें करता था, और इसने सुल्तान के प्रतिनिधित्व को ही बनाए रखने के लिए तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त कर दिया था, सभी की हत्या कर दी थी। तो इसीलिए याद रखिएगा कि बलबन ने ही समाप्त किया था तुर्कान ए चहलगामी को। बलबन के बारे में और बातें कर दें तो लौह और रक्त की नीति भी चलाता था, और बातें करेंगे बलबन के बारे में अगले प्रश्नों में। तो यहां से हमको क्या दिखाना है, हमको गलत दिखाना है, तो दूसरा और तीसरा गलत दिख गया, तो ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। चलो दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं।
एक्चुअली ये जो आपका पोर्शन होगा दिल्ली सल्तनत का, विजयनगर का, इसमें से बड़े सरल से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब इसमें शासकों का सीक्वेंस पूछ दिया जाएगा, वंश का सीक्वेंस पूछ दिया जाएगा, बड़े सरल से प्रश्न, एक किताब पूछ दी जाएगी, कुछ एक चलाए गए यहाँ पर जो सिस्टम चलाए गए थे वो पूछ दिए जाएंगे। तो बस उसी तरीके से हम इस सिस्टम को, हम इस टॉपिक को डील करने वाले हैं। अगला प्रश्न है दीवान ए विचारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंशा और दीवान ए रिसालत के बारे में है, यह क्या थे यह हमको बताने हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं दीवान ए विजारत को। दीवान ए विजारत क्या था? तो यह एक राजस्व विभाग था, मतलब यह एक वित्त विभाग था। आप इसको याद रख सकते हो, कहीं कहीं पे विजारत या वजीरात भी लिखा हुआ रहता है, तो नाम से ही संबंधित है ना कि इसका जो प्रमुख है वह और कोई नहीं, वह होगा वजीर। वित्त से संबंधित मामले जो है वजीर देख रहा है। वजीर जो है ये सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था, और वित्त के विभाग देखना, राजस्व विभाग देखना, लोक प्रशासन संबंधित चीजें देखना, यह सब काम किसका होता था? तो वजीर का होता था। तो वजीर जिस विभाग का प्रमुख था वह होता था वजीरात। और यह जो वजीरात विभाग है यह किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया वजीर क्या देख रहा है, राजस्व देख रहा है, इसका मतलब यह जो है वित्त से संबंधित दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दीवान ए अर्ज की। दीवान ए अर्ज जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सेना से संबंधित है, और दीवान ए अर्ज नाम का सैनिक विभाग बनाने वाला पहला सल्तनत का जो सुल्तान हुआ, याद रखना वह हुआ बलबन। तो दीवान ए अर्ज पहले तो याद रखना कौन बनाया था, तो बलबन ने बनाया था। उसके बाद सेना को ठीक तरीके से संगठित करने का काम करता था, मतलब पुनः संगठित करने का काम ये बलबन ने किया था, क्योंकि उसने सेना से वृद्धों को बाहर रखकर इस तरीके से उसने सेना का पुनर्गठन किया हुआ था। तो बलबन ने सेना से संबंधित काम किए हैं, सैनिक विभाग बनाया है, जिसको दीवान ए अर्ज कहते हैं। तो दीवान ए अर्ज का संबंध जो है वह सेना से हो जाएगा। साथ में इसने पहला गुप्तचर विभाग भी बनाया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि गुप्तचर विभाग जो है बलबन ने बनाया था, जो था दीवान ए बरीद। यह भी याद रखिएगा, दीवान ए बरीद का नाम आ जाता है, क्या था? तो यह गुप्तचर विभाग था। अगला डिस्कस करते हैं दीवान ए इंशा। देखो दीवान ए इंशा और दीवान ए रसालत या रिसालत। तो दीवान ए इंशा जो है, अगर आप डाक को अपने प्रांत में भेज रहे हो, सुल्तान के द्वारा लिखे हुए खतों को आप अपने प्रांत में ही भेज रहे हो, तो वह है दीवान ए इंशा। मतलब ये पोस्ट ऑफिस था, यह एक डाक विभाग था। सुल्तान के लेटर्स को विभिन्न प्रांतों में भेजने का काम किया जाता था, उसको आप दीवान ए इंशा कहते हो। लेकिन वहीं अगर विदेशों से पत्र व्यवहार हो रहा है, और वहीं अगर विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति की जा रही है, तो यह किस विभाग से किया जाएगा? तो वह था दीवान ए रिसालत विभाग या रसालत विभाग उसको कहा जाता है। तो इसका मतलब, इसका जो सीधा सीधा संबंध है वह किससे दिख रहा है? वह संबंध हमको विदेशों से दिखाई दे रहा है। वहीं यह भी पूछा जा सकता है कि एक और याद रखिएगा, दीवान ए रिसालत तो समझ आ गया, लेकिन अगर दीवान ए रियासत बोला, तो दीवान ए रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी, और यह बाजार नियंत्रण से संबंधित था। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिख रहा है वह दिख रहा है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्न कथनों में से कौन सा इक्ता प्रणाली से संबंधित है, और इक्ता प्रणाली से संबंधित जो सही कथन है वह बताइए। तो पहला बोल रहा है कि यह अधिकारियों को उनकी सेवाओं के भुगतान से संबंधित है। हमने डिस्कस किया है इक्ता प्रणाली के बारे में। इक्ता प्रणाली जो है वो इल्तुतमिश ने यह शुरू किया था, और उसके साथ साथ याद रखना है कि इसमें होता यह था, यह सैनिकों को, इक्ता का मतलब होता था जमीन, सैनिकों को या फिर कुछ अधिकारियों को एक वेतन ना देकर, मतलब ये जो है भूमि प्रणाली से संबंधित है। उन सैनिकों को, उन अधिकारियों को वेतन ना देकर उनको कुछ जमीन, कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, और उसके बाद उस क्षेत्र से मिलने वाला जो कर होता था वही उनका वेतन कहलाता था, और इसका जो प्रमुख होता था वह इक्तेदार कहलाता था। तो याद रखिएगा, वह कहलाता था इक्तेदार। तो यह कथन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब शुरुआत में यह जो है वेतन से ही तो संबंधित है, सैलरी से ही तो रिलेटेड है यह जो आपका इक्ता प्रणाली है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे अनुवांशिक बनाया था। तो शुरुआत में, बिगनिंग में अगर देखें तो इक्ता सिस्टम जो है वो सैलरी से रिलेटेड था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको अनुवांशिक बना दिया था। खराज जो है, खराज इसे नहीं कहते, खराज है गैर मुस्लिमों से लियाने वाला, यह एक प्रकार का भू राजस्व कर था। भू राजस्व कर था, तो इसको हम भू राजस्व कर कह सकते हैं, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो इसीलिए यह जो संबंध है थर्ड जो है वह गलत हो जाता है। तो कौन से उत्तर आपको सही दिख रहे हैं, पहला और दूसरा? सो दिस इज द आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, यहां पर हमको कुछ प्रथाएं दिख रही हैं, चेहरा, पाबोस, नौरोज और सिजदा। तो इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। देखो पाबोस, नौरोज और सिजदा, पहले तो ये बता दूं कि ये तीनों जो सिस्टम हैं ये तीनों बलबन से रिलेटेड हैं। बलबन से, बलबन जो है एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में भी कुछ तथ्य आप याद रखिए, लौह एवं रक्त की नीति चलाता था। लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाई, तो सबसे पहले बलबन के बारे में तो ये याद रख लो। दूसरा, इसको गरीब लोगों से बड़ी चिढ़ थी, गरीब लोगों को ये देख नहीं सकता था, कहता था कि मैं गरीब को देखता हूँ तो मेरे रक्त में जो है एक उफान सा आ जाता है, गरीबों से चिढ़ थी। और इसीलिए सुल्तान की गरिमा को, मतलब सुल्तान के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इसने कुछ प्रथाओं की शुरुआत की थी। कहता था सुल्तान के सामने इसका सिर झुकना चाहिए, वह जो प्रथा थी, सिर झुकने की जो प्रथा थी वह प्रथा कहलाती थी सिजदा प्रथा, मतलब सुल्तान के सामने झुकना, क्योंकि अपने आप को जिल्ले इलाही कहलाता था, मतलब ईश्वर का एक स्वरूप है। कहता था कि सुल्तान बनना मतलब देवता का मैं एक प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए उसने इस तरीके की कुछ प्रथाओं की शुरुआत की थी। सिजदा के बाद वह कहता था कि सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा की शुरुआत की थी, वह प्रथा भी पाबोस की प्रथा थी। सुल्तान के पैरों को चूमना, पाबोस का मतलब हो गया, आप रिलेट कर सकते हो, पैरों से है। उसके बाद उसने एक ईरानी नववर्ष मनाने की भी शुरुआत की थी जिसको आप नौरोज के नाम से जानते हो। फारसी नववर्ष का मतलब कौन सा हुआ, नौरोज हुआ। यह तीनों ही प्रथाएं जो है यह बलबन से संबंधित है, याद रखिएगा, और लौह एवं रक्त की नीति भी याद रखना। उसके बाद जो है अगला जो है, देखो एक प्रथा जो है यह जो संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल तो बहुत कम था लेकिन एक अद्भुत शासनकाल था, बहुत कम समय में उसने बड़े बड़े काम किए थे, बहुत से किलों को जीत लिया था। इतिहासकार तो कहते थे इतने किलों को जीता था कि इसको गिनना भी मुश्किल था। इसने एक प्रथा शुरू की, सबसे पहले तो स्थाई सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने स्थाई सेना रखी थी। स्थाई सेना तो रखता था, साथ में यह घोड़ों पर दाग भी लगवा देता था। घोड़ों पर दाग मतलब एक तरह का सील उनमें लगवा देता था ताकि दूसरा बाहरी घोड़ा प्रवेश ना कर पाए और पहचान हो सके घोड़े से। साथ में सैनिकों के लिए वेशभूषा या सैनिकों के लिए हुलिया, यह प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मतलब सैनिकों का एक तरीके से पहचान, डिटेल उनकी रखना, अगर उनके शरीर में कोई चिन्ह है, कोई दाग है तो वो भी लिख देना ताकि कोई बहरूपिया जो है वह सेना में प्रवेश ना कर सके, कहीं से तिल है कोई भी उनका डिटेल जो है उनसे एंट्री कर देना, हुलिये से रिलेटेड। तो यह प्रथा की शुरुआत कौन किया था, तो यह प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। याद रखिएगा चेहरा का संबंध सिपाहियों के विवरण से बनता है, तो उत्तर इसका बन जाएगा ए, राइट। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रथाओं को डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये, रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से कौन से कर केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। तो वो कर पूछे जा रहे हैं जो हिंदुओं पर लगाए जाते थे, मतलब गैर मुस्लिमों पर लगाए जाते। तो बताना है जजिया के बारे में, शराफ के बारे में, जकात के बारे में और खराज के बारे में। खराज तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, इक्ता सिस्टम से इसको कंपेयर कर लिए थे। तो खराज क्या है, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक भू राजस्व कर था, तो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, मतलब खराज तो लिया ही जाता है। उसके बाद बात करते हैं जजिया की। देखिए जजिया जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला यह एक धार्मिक कर था। याद रखिएगा जजिया की बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन के प्रोटेक्शन के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए भी जजिया को लिया जाता था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। बाद में अकबर इसको हटाने वाले भी थे। उसके बाद बात करते हैं शराफ की। ये जो शराफ है ये एक तरह का कृषि कर था जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 1/10 जितना भी प्रोड्यूस है उसका 1/10 लिया जाता था, तो शराफ जो है वह एक कृषि कर था। ठीक, जजिया भी गैर मुसलमानों से, खराज भी गैर मुसलमानों से, ये तो क्लियर हो गया, भू राजस्व कर था। जकात की बात करते हैं, यह जो जकात है यह मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। स्वैच्छिक धार्मिक कर मतलब कुल मिला के जो भी धार्मिक कर लिए जाते थे कलेक्टिवली वो जकात के नाम से जाने जाते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि गैर मुसलमानों से आप ले रहे हो जजिया और गैर मुसलमानों से आप क्या ले रहे हो, खराज ले रहे हो। तो आपका जो उत्तर बन जाता है वह बन जाता है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न जोड़ों पर विचार करो, ठीक है विचार करते हैं, और फिर ये बताओ कि कौन सा जोड़ा सही है। तो चलो देखते हैं कि क्या कह रहा है।
तो सबसे पहले ये कह रहा है फिरोज शाह तुगलक के बारे में बातें बताने के लिए कह रहा है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिरोज शाह तुगलक को और जियाउद्दीन बर्नियर, एक महान इतिहासकार की बात हो रही है जिसने हिस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। जियाउद्दीन बर्नी किसके शासनकाल में आया था, तो यह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आया था। किताबों को जमाने के लिए बोला है, लेकिन इस एक बार फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं। तुगलक वंश का था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। सल्तनत युग का अकबर और सल्तनत युग का औरंगजेब दोनों इसको कहा जाता है। एल्फिंस्टन जैसे इतिहासकारों ने इसको सल्तनत युग का अकबर तक कहा है बिकॉज इसके अच्छे कामों के कारण। अच्छे काम तो करता था, लेकिन साथ में उलेमाओं के सहयोग से, उलेमा वंश के सहयोग से ही यह गद्दी पर बैठा था, इसलिए इस्लामिक पद्धति को ज्यादा फॉलो करता था। मतलब पुजारियों से, ब्राह्मणों से यह जजिया कर को वसूलता था। साथ में उन्हीं उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए जगन्नाथपुरी के मंदिर को भी इसने तोड़ा था। तो यह सब काम इसके इस तरीके से होते थे फिरोज शाह तुगलक के, इसलिए सल्तनत युग का औरंगजेब। लेकिन अच्छे काम भी करता था। गरीबों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना होती थी, साथ में निशुल्क अस्पताल मतलब दीवान ए सफा की स्थापना कर रहा था। 300 नगर बनवाया था, बहुत सारी इमारत, बहुत सारे बाग, बहुत सारे मतलब समझ लीजिए कि लोक निर्माण विभाग के बहुत सारे काम ही करता था। पूरा डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देता था, इतना ज्यादा डेवलपमेंट कि भाई आगे इसको कोई भी अभियान चलाने का कुछ ज्यादा इसको समय कहां से मिल पाता, तो कुछ ज्यादा अभियान भी नहीं चला पाया। कौन तो ये आपका था, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसको कहते हैं फुतुहत ए फिरोज शाही। फुतुहत ए फिरोज शाही या फतवात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की। किसने लिखी थी, तो वह उसने स्वयं उसने यह अपनी आत्मकथा लिखी थी, इसीलिए यह जो मैच है यह बिल्कुल सही मैच दिखाई देता है। फिरोज शाह तुगलक के काल में ही एक इतिहासकार आए थे, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, एक बहुत महान इतिहासकार थे जिन्होंने एक बेहद ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिस किताब को तारीख ए फिरोज शाही किताब कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तारीख ए फिरोज शाही किसके साथ लिखी, तो शम्स सिराज आफिफ के साथ उन्होंने यह किताब लिखी थी। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी, तो याद रखना बर्नी भी लिखी है, बर्नी का भी नाम आएगा और शम्स सिराज आफिफ दोनों का नाम आएगा। एक्चुअल में मेन जो लिखने वाले राइटर थे वो थे जियाउद्दीन बर्नी। साथ में उन्होंने एक दूसरी एक किताब और लिखी थी जिस किताब को आप कहते हो फतवा ए जहादारी। यह पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब थी, शरीयत का, इस्लाम का विश्लेषण किया गया, व्याख्या किया गया, जो भी नियम कानून थे। कौन सी किताब में, तो वह किताब आपको पता होनी चाहिए, फतवाए जहादारी। यह भी किसने लिखा था, तो बर्नी ने लिखा था। तो बर्नी की दोनों किताबें हो गई, तारीख ए फिरोज शाही हो गई, फतवाए जहादारी हो गई, और शम्स सिराज आफिफ भी उसमें सहयोगी ही थे, इसीलिए तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल, यहां पर तीनों मैच जो है वो बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न भी डिस्कस करना है अब आपको। मंगोलों ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया, आपको ये बताना है। देखिए दिल्ली पर हमला और वह भी कब, तो ऑप्शन से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब है 1296 से 1316 तक, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में याद रखना सेनापति थे, और इसके इतने ताकतवर सेनापति थे, मतलब इतने सक्सेस सेनापति थे, एक का नाम था जैसे हो गए आपके जफर खां, जफर खां हो गया, दूसरा हो गया नुसरत खां, जफर खां, नुसरत खां, और उसके बाद 1000 जीतल में जिसको खरीदा था उसका नाम था मलिक काफूर। ये बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाता है मलिक काफूर, 7 फुट लंबा चौड़ा इंसान था, बहुत ताकतवर था, ठीक है ना, मलिक काफूर, जिसको नुसरत ने ही खरीद के, दास था, जिसको नुसरत ने ही खरीद के अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया हुआ था। तो सेनापति उसके बहुत ताकतवर थे। मंगोलों का हमला उस समय होता था जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, तो मंगोलों को बड़ी बुरी तरीके से पराजित किया। कहा जाता है कि जफर खान ने तो मंगोलों को ऐसे पराजित किया कि 30-30 कोस दूर तक पीछे जाना पड़ता था मंगोलों को, इतनी बुरी तरीके से पराजय होती थी मंगोलों की। तो मंगोलों का दिल्ली पर हमला को आप 1296 के साथ अटैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला पूछ रहा है, हरिहर ने विजयनगर राज्य की स्थापना कब की, आपको ये बताना है। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मध्यकालीन इतिहास के प्रथम हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। दो राज्यों की स्थापना होगी, एक होगा 1336 में और एक स्थापना होगी 1347 में। 1336 में जिस राज्य की स्थापना होगी वह होगा विजयनगर राज्य, और 1347 में स्थापना होगी वह होगा बमनानी राज्य। तो 1336 में हरिहर व बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए ये कनेक्शन जो है ऐसा बैठेगा। अगला है तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण की बात हो रही है, तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कहलाता है।
इसी के समय 1398 के समय में मंगोल से तैमूर लंग भारत आया था और दिल्ली में उसने कत्लेआम किया था। यह अंतिम शासक माना जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक वंश का। तो तैमूर का जो आक्रमण है वह दिख रहा है 1398 में, और उसके बाद सैयद वंश की स्थापना होगी, खिज्र खा सैयद वंश की स्थापना करेगा। तो इस तरीके से तैमूर का आक्रमण याद रखिएगा कब है, तो 1398 में है। अगला है सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई। तो सिकंदर लोदी जो है, बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी, इसने आगरा शहर की स्थापना यमुना नदी के किनारे 1504 में की थी और बाद में 1506 में इसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का था, याद रखना लोदी वंश का था सिकंदर लोदी, और इसको शहनाई सुनने का शौकीन भी था। तो इस तरीके से 1504 को आप ऐसे जोड़ सकते हो, तो आपका जो उत्तर निकल कर आता है वह उत्तर निकल कर आता है डी। साथ में यहां दिख रहा है कि दिल्ली से राजधानी का दौलताबाद स्थानांतरण भी हुआ था। तो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कब ट्रांसफर हुई थी, तो याद होना चाहिए एक अभागे सुल्तान के ट्रांसफर किया था, जिसको आप कहते हो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को आप सृष्टि का आश्चर्य, अभागा सुल्तान, ये सब नामों से भी जानते हो, पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। उसी ने दिल्ली से राजधानी का दौलताबाद स्थानांतरण किया था। प्रॉब्लम थी, प्रशासन में प्रॉब्लम हो रही थी, सोच रहा था कि मैं इसको, मतलब राजधानी को अगर सेंटर में लेकर जाऊं तो बहुत अच्छे से प्रशासन को संभाला जा सकता है, इसीलिए उसने अपनी राजधानी जो है वह देवगिरी ट्रांसफर कर दी, और उसके बाद उसका नाम क्या रख दिया, दौलताबाद उसका नाम रख दिया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था, उसका यह कहना है कि दिल्ली वासी जो है इसको खत लिखते थे और खत में धमकाते थे, तो ये दिल्ली वासियों में डर कायम करने के लिए दिल्ली से अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेता है और दौलताबाद शिफ्ट कर लेता है और बाद में दिल्ली वासियों को टारगेट करता है। ये कथन जो है ये इब्न बतूता के अनुसार है, और बर्नी जो फिरोज शाह तुगलक के समय में आया था, बर्नी का ये कहना है कि दिल्ली में खाली एक लंगड़ा बच गया, एक कुत्ता बच गया, और पूरी दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से वीरान हो चुकी थी। सोचता तो अच्छा था, लेकिन इसके काम जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काम सक्सेसफुल नहीं होते थे। सोचा अच्छा था लेकिन कोई काम इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। याद रखना दिल्ली से राजधानी का दौलताबाद स्थानांतरण किसने किया, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपको ग्रंथ और इसमें आपको लेखक इसमें मैच करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इब्न बतूता की। इब्न बतूता कौन था, तो वह एक अफ्रीकी यात्री था। किसके शासनकाल में आया था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कब आया था, यह 1333 में आया था। इब्न बतूता कहां से आया था, तो बोलोगे मोरक्को से आया था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दिल्ली का काजी हुआ। याद रखना इब्न बतूता दिल्ली का काजी हुआ, ये सब इब्न बतूता के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि बाद में इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मतभेद हो गया और इब्न बतूता को जेल में डालना पड़ गया। इसने इब्न बतूता ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी, जिस किताब को आप कहते हो रेहला, किताब उल रेहला वाली किताब लिखी है, और यह अरबी भाषा में थी। तो इस तरीके से रेहला का संबंध किसके साथ हो गया, इब्न बतूता के साथ हो गया। उसके बाद किताब उल हिंद लिखने वाले थे अलबरूनी किताब उल हिंद लिखने वाले थे। अगला है हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा का संबंध जो है यह मुगल सल्तनत से है। इसको लिखने वाली थी हुमायूं की बहन, जिसका नाम है गुलबदन बेगम। किस भाषा में थी, तो नामा लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली यह फारसी भाषा में ही होगी। याद रखना हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, और बादशाह नामा लिखने वाले थे लाहौरी, अब्दुल राहुल लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा था। तो इस तरीके से ये मैच हुआ ग्रंथ का और लेखक का, तो सही उत्तर निकल कर आता है डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। पहला है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कि इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और हरिहर इसके पहले राजा बने थे। अभी मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दो राज्य, प्रथम हिंदू राज्य मध्यकालीन भारत के इतिहास का, जो कि 1336 में इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना करने वाले संस्थापक थे हरिहर व बुक्का ने इसकी स्थापना की थी अपने पिता के नाम पर। इन्होंने इस वंश का नाम रखा था। याद रखना कौन से वंश से, कौन से डायनेस्टी के थे, तो ये लोग संगम वंश के, संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे हरिहर बुक्का ने 1336 में, और हरिहर इसके प्रथम राजा बने थे। तो यह कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन है विजयमनी और बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य कब आया था, तो ये 1347 में बहमनी साम्राज्य आया था। हसन गंगू जो है वह इसके संस्थापक थे, जिसका पूरा नाम था हसन बहमन गंगू, तो इसीलिए इसका नाम याद रहेगा बहमनी साम्राज्य। 1347 में इसकी स्थापना हुई थी। इन शासकों के बीच जो है टकराव के कारण जो में से एक कारण था मराठा वाला देश। तो देखो टकराव के जो है तीन कारण इनके टकराव के आते हैं।
पहला जो कारण है मैं आपको पॉइंट्स में बता देता हूं। पहला जो कारण है वह तुंगभद्रा दोआब वाला कारण आ रहा था। दूसरा आ रहा था कारण कृष्णा और गोदावरी डेल्टा, यह दूसरा कारण था। मतलब इन बातों में उनमें कॉन्ट्राडिक्शन होता था। और तीसरा जो कारण था वह था मराठावाड़ देश, यह तीसरा कारण यहां पर दिखाई देता है। सो यह कथन जो है वह भी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है फारस के अब्दुल रज्जाक ने संगम के शासन के दौरान, मतलब संगम वंश के शासन के दौरान इन्होंने राज्य का दौरा किया था। एक फारसी था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो देखो अगर हम संगम वंश को देखें तो सबसे पहले जिसने संभाला है वह है हरिहर। हरिहर के बाद किसने संभाला, तो वह संभाला है बुक्का। उसके बाद कौन आए, तो उसके बाद आ गए हरिहर सेकंड। पहले वाले हरिहर फर्स्ट, दूसरे वाले हो गए हरिहर सेकंड। उसके बाद आ गए देवराय फर्स्ट, और देवराय फर्स्ट के बाद हमको रिवाइज कर रहे हैं अगले जो आएंगे वह आएंगे देवराय सेकंड। देखो अब यहां पर जो है देवराय सेकंड एक बहुत ही महान रूलर थे। देवराय सेकंड ने अपनी सेना में मुस्लिमों को प्रवेश दिया था। देवराय सेकंड की एक उपाधि भी याद कर लो, इनकी उपाधि भी थी गजबेटकर। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। इन्होंने ही तुर्की वर्ग के कुशल कारीगरों को नियुक्त किया और अपने धनुर्धरों की योग्यता को बढ़ाया। मतलब सेना को योग्यता को बढ़ाने में किसने ध्यान दिया था, देवराय सेकंड ने ध्यान दिया था। और इन्हीं को आप इमाडी देवराय के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से, इमाडी देवराय के नाम से जानते हो। इन्हीं के शासनकाल के दौरान एक फारसी आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो वह याद रखना देवराय सेकंड के शासनकाल के दौरान आया था। तो क्या ये कथन सही है, हाँ ये कथन सही है, और हमको बताना भी सही विकल्प है, तो आंसर होता है आपका डी। ये हो गया आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बाद अगला प्रश्न लेता हूं, और अगला प्रश्न जो है यह बहमनी साम्राज्य से संबंधित है और उनके संस्थापकों से संबंधित। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बीजापुर की स्थापना 1489 में, बीजापुर के बाद अहमदनगर की स्थापना 1490, फिर गोलकुंडा की स्थापना 1512, और फिर बीदर की स्थापना 1526-27 में बीदर की स्थापना हुई थी। ये हमने पहले तो जमा लिया, ठीक है। इसके बाद बीजापुर की स्थापना किसने की है, तो यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की, और इन्होंने ही बीजापुर में गोल गुंबद का भी निर्माण करवाया। और यह कौन से वंश से संबंधित है, तो यह आदिल शाही वंश से संबंधित है। ये तो हो गया इनकी बात। बीजापुर के बाद अहमदनगर, तो ये तो नाम से ही हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि 1490 में मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की थी। और इनका भी वंश याद रखिए, इनका वंश पूछा जा सकता है, अहमदिया वंश आ जाएगा। उसके बाद 1490 के बाद 1500 में गोलकुंडा, गोलकुंडा की स्थापना करने वाले हैं कुलिकुल कुतुब शाह। कुलिकुल कुतुब शाह ने गोलकुंडा की स्थापना की थी, और इन्होंने ही हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था, और साथ में इनका वंश जो है वह भी आ सकता है, तो कुतुब शाही वंश से संबंधित है। और फाइनली 1527 में कालसम बरीद ने, या फिर हम कह सकते हैं कि अली बरीद ने स्थापना करवाई थी बीदर की, यह कौन से वंश से संबंधित है, तो यह बरीद शाही वंश से संबंधित है। तो ये हो गया इनका वंश, और ये हो गए इनके कनेक्शन। उत्तर हो जाएगा ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, ये बहमनी साम्राज्य हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजवंशों पर विचार कीजिए और ये बताइए कि 1565 का जो रक्षा तंगड़ी की लड़ाई थी, जो रक्षा तंगड़ी का युद्ध था, वह किसके किसके बीच हुआ था। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि ये ताली कोटा के युद्ध की बात हो रही है, जिसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, है ना। ये रक्षा तंगड़ी नहीं है, इसके लिए माफी चाहूंगा, ये राक्षसी तंगड़ी लिखा हुआ है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, तालीकोटा का युद्ध है, बनहट्टी का युद्ध भी इसको कहा जाता है, 1565 में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था, जब विजयनगर साम्राज्य में अंतिम वंश चल रहा था जिसको आप तुलु वंश के नाम से जानते हो। और तुलु वंश के सर्वाधिक प्रतापी या शक्तिशाली जो शासक हुए वह थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है वो शक्तिशाली शासक हुए, और उसके बाद जो अंतिम शासक हुए, अंतिम शासक उनका नाम था सदाशिव, और इसी सदाशिव के एक सेनापति थे जिनका नाम था राम राय। याद रखिएगा राम राय, एक्चुअल में शासक तो सदाशिव थे लेकिन जो रियल पावर थी वह राम राय के हाथ में थी। तो यह जो युद्ध हुआ था यह विजयनगर साम्राज्य और वर्सेस किस साम्राज्य के मध्य, तो बहमनी साम्राज्य के मध्य हुआ था। इधर से राम राय लड़ रहे थे और इधर से वही आपके बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, यही साम्राज्य लड़ रहे थे जो कि बहमनी साम्राज्य थे, अभी थोड़ी देर पहले जिसकी आप स्थापना किए हुए।
तो इस तरीके से हमको दिख रहा है चारों ही राक्षसी तंगड़ी युद्ध में शामिल है जो 1565 में हुआ था। सबसे विध्वंसक युद्ध माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण भी यही वाला युद्ध था। तो इस तरीके से उत्तर हो जाएगा डी। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के साथ ही आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जिसमें और कुछ प्रश्नों को डील करेंगे। यह हमारा 8वां पार्ट है। 9वें पार्ट में फिर से आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।